हिमाचल के सबसे बड़ी मंडियों में शुमार परमाणु और सोलन की मंडी में सेब ने दस्तक दे दी है। खरीदार भारत के कोने कोने से सोलन का रुख करने लगे हैं। शुरुआती तौर पर बागवानों को सेब के दाम बेहद अच्छे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जहां एक और बागवान खुश नजर आ रहे हैं, वहीं आड़तियों के चेहरे पर भी रौनक साफ देखी जा सकती है। हालांकि सोलन की सेब मंडी में परमाणु की तुलना में 50 पैसे सेब की पेटियां कम पहुंची हैं, लेकिन फिर भी सोलन की सेब मंडियों में खासी रौनक देखी जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने बताया कि सोलन में सेब नाम मात्र के लिए पैदा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन की सेब मंडियों में हिमाचल की कुल फसल का 40% व्यापार सोलन की मंडियों से होता है। उन्होंने कहा कि अभी तक सोलन की मंडी में 3,40,000 और परमाणु की सेब मंडी में करीबन 7 लाख सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में हर वर्ष करीबन 35 लाख सेब की पेटियों की खरीद फरोख्त होती है। अभी तक सबसे ज्यादा सेब की पेटियां 3600 रुपए तक बिकी हैं और औसतन पेटी का रेट 2000 तक जा रहा है, जिसकी वजह से बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं और वह इस बार अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी जो सोलन मंडी है सेब की और जो परमाणु मंडी है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सेब मंडियों में से है और यहाँ प्रति वर्ष लगभग 35 से 50 लाख तक की पेटियों का व्यापार होता है। पिछले वर्ष हमने 50 लाख सेब के डिब्बों का यहाँ व्यापार किया था, लेकिन पिछले वर्ष उत्पादन कम था तो लगभग 32 से 34 लाख तक के डिब्बों का व्यापार हमने किया था। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि सेब की फसल कम है और अभी तक हमारे पास सोलन में लगभग 3,39,000 बॉक्सेस कल तक आए हैं और परमाणु मंडी में लगभग 7 लाख के आसपास के सेब के डिब्बों का व्यापार हो चुका है। शुरुआती तौर पर जब सेब मार्केट में आया था तो उसके बहुत अच्छे दाम थे, जो हाईएस्ट रेट है वो 3600 रुपए हमारी परमाणु मंडी में गया है, लेकिन अब मार्केट में सेब के दाम अधिकतम 2000 रुपए तक आ गए हैं। उसकी कई वजह है, उत्पादन कम है, आगे पूरे भारतवर्ष में भारी मात्रा में बारिश हो रही है, देश भर का व्यापारी यहाँ पहुंच नहीं रहा है और इसके अलावा ये भी है कि बाहर जो सेब आयात होता है वो भी हमारे यहाँ के सेब पे थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग को प्रभावित कर रहा है।